व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर ही जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से, अक्सर राज वही करता है जो कामयाब बन जाता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना ज़रूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप आपकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताइए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त बता ही देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ज़्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि तुम मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे हमेशा इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कद्र ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की ही मेहनत से मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें, क्योंकि ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना ही बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। ये जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है, बाकी लोग तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती हैं। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधा सटक लिया जाए। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी ज़िंदगी कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, ज़िंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूट लेती है। कोई फ़ायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाए। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह ज़रूर कीजिए। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ तो कहेंगे ज़रूर। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये ज़रूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नज़र आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपने परवाह करने वाले को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना ही इतने मीठे बन जाओ कि कोई निगल जाए। हर आंसू आँख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो दो दिन दूर होके देखो। बात करना तो दूर तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नाम और पहचान भले छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए। बात जवाब की इज्जत पर आ जाए तो चाहे वह कोई भी हो
उसे छोड़ देना चाहिए। उस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं खाते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते हो, परमात्मा से इतनी शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वे पहले से ही कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हो। इसलिए कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आँख अक्सर वहीं खुलती है जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सम्मान वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये कलयुग है, यह इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि इज्जत उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा हो तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को ये महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे उसी का नाम घर। अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो बहुत पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किससे कहाँ और क्या बात करनी है ये अच्छे से पता हो। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में ही लगाना, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा हो गया है अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तब समझना वक्त तुम्हारा है। इन छह लोगों से हमेशा सावधान रहना। हमेशा तारीफ करने वाले, हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजान से। एक घने जंगल में शाम का समय था और काले बादलों से ढके हुए आसमान के नीचे एक गर्भवती हिरण अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली गरजी और सूखे पेड़ पर गिरी। आसपास के पेड़ों में आग फैल गई। तेज लपटों के कारण उस हिरनी को घर छोड़कर भागना पड़ा। वो हिरनी बच्चों को जन्म देने के लिए नदी के पास आ गई और प्यास बुझाने के लिए वो नदी के किनारे गई। वैसे ही उसे बाई और झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी निगाहों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उस पर तीर का निशाना साधे बैठा था। हिरनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने उस शिकारी को देखा तो वो और भी डर गई। जैसे ही वो भागने के लिए दाई और मुड़ी, उसने देखा कि दाई और झाड़ियों में खूंखार शेर घात लगाए बैठा था। एक तरफ शिकारी, दूसरी ओर शेर और तीसरी ओर जलता हुआ जंगल और चौथी ओर गहरी नदी। हिरणी के चारों ओर मौत थी। जान बचाने का कोई भी उपाय हिरणी के पास नहीं था। तब हिरणी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु निश्चित है तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे, अभी पानी पीते हैं फिर देखेंगे जो होगा। हिरणी शांत मन से बेधड़क पानी पीने लगी। हिरणी को पानी पीते देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला था आसमान में तेज बिजली कड़की, शिकारी का हाथ कांपा, निशाना चूक गया और सीधा जाकर शेर के पंजे में जा लगा। शेर घायल हो गया, उसकी नज़र शिकारी पर गई और शेर शिकारी पर हमला करने के लिए पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतने में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश से जंगल की आग बुझ गई। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरणी ने सर उठाया तो उसने देखा कि ना तो कोई शिकारी है और ना ही शेर, जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरणी ने समय बर्बाद ना किया और वहाँ से भाग गई। वो सुरक्षित जगह पहुँची और चार बच्चों को जन्म दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नकारात्मकता में हमें कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हमको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से मुश्किल में घिर गए हैं, पर ऐसे समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दिलेरी से जो सही लगता है वो काम करते जाना चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो मन में आशा जगती है, और एक बार आशा जग जाए तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। इसलिए कभी भी उत्तेजित मन से, परेशान मन से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोच कर अपना मन शांत करो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।